कितना अच्छा लग रहा है ना, फाइनली कृपा और अंगद एक साथ हैं। हाँ सही कह रही हो। मुझे ये सोचकर बहुत तसल्ली मिलती है कि इतनी परेशानियां सहने के बाद आखिर दोनों एक हो गए। वाकई मुझे खुशी के साथ साथ फख्र है कि कृपा मेरी बहू है। खुशकिस्मत मेरी बेटी है नैना, जिसे इतना प्यार करने वाला पति और इतना अच्छा ससुराल मिला। मुझे पूरी उम्मीद है वो यहाँ बहुत खुश रहेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी बनकर रहेगी। गुड मॉर्निंग बेटा। 10 बज गए, तुम जरा जल्दी से तैयार होके अंगद को नीचे लेके आओगे। सब लोग नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मा। मम्मा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल। जरा जल्दी से तैयार होके आ जाओ मम्मा नाश्ते के। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आइए ना। अरे नहीं बेटा, मैं तुम लोग को नीचे बुलाने आई हूँ। हटो ना, हटो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इधर बैठने नहीं आई। मम्मा आपको लेट हो रहा है ना? हाँ बेटा मैं वही कह रही हूँ उससे। मम्मा सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना नाश्ते पे। बैठिए ना दो मिनट प्लीज ना। बैठी हूँ, बैठ गई। ठीक है अब जाऊँ? आपको एक चीज दिखानी है। मामा वो अंगद तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। आप कह रही थी ना लेट हो रहा है। प्लीज मामा, एक मिनट प्लीज रुकिए ना। मामा चलिए ना, मैं जल्दी। ये देखिए। ये क्या है? ये ना कृपा ने मेरे लिए काटे। मैं कह रहा था मुझे नहीं खाने, लेकिन उसने कहा कि खाने तो पड़ेंगे क्योंकि सेहत के लिए होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तो आते ही मेरी बच्ची ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इससे तो मैं अभी साफ कर लेती। हाँ मामा आप जाइए जल्दी से इसे साफ कर दीजिए। उधर बाथरूम आए। मामा आप चलिए। मामा बाथरूम। मैं नहीं अंगद, मुझे तैयार होना है। मम्मा नीचे साफ कर लेंगी। हाँ हाँ बेटा तुम लोग जल्दी से तैयार। हाँ मम्मा प्लीज इसका कुछ जल्दी आना बेटा। क्या हुआ? कम से कम मॉम को बाथरूम तो जाने देती। अरे बेली से तो मिलवा ले। मुझे यूज करना है। अरे भाई कृपा कहाँ है? आई नहीं क्या अभी तक? सब आपकी तरह लेट लतीफ नहीं होते। कृपा आ चुकी है और अपने हाथों से नाश्ता बना रही है हम सबके लिए। क्या बात है, बड़ी बड़ी खुशबू आ रही है। आप खुशबू से ही खुश रहिए। आपको याद है ना डॉक्टर ने आपको मना किया है ज्यादा कैलोरी लेने से? कम ऑन नैना, कम से कम आज तो पाबंदी मत लगाओ प्लीज। ओके गाइस अगर गो। अरे मैंने आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, आप खाएंगे नहीं? अब कृपा तुमने इतने प्यार से पकौड़े बनाए तो हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे एक साथ। हाउ स्वीट। बैठो। नहीं आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। भाई जब तक कृपा नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। मामा बेटा इतने प्यार से कह रहे हैं तो खा लो। हाँ बेटा खाओ ना, शर्मा क्यों रही हो? मुझे याद है हमारी शादी के अगले दिन मैंने सर्व करती गई मेरा मन रखने के लिए भी कुछ नहीं पूछा। नो कर लो बात। यार मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारी बातें घुमा फिरा कर मुझे पर क्यों आती है? खाओ ना प्लीज। अरे खाओ ना, खाओ खाओ। अरे क्या हुआ बेटा? मिर्ची ज्यादा तो नहीं है ना? पानी लो बेटा। मैं तो याद कर रहा है सुशांत।
अंगद तो यहाँ है, फिर कृपा को कौन याद कर सकता है? Don't worry, Prithvi is absolutely fine now. आप कभी भी इन्हें घर ले जा सकती हैं। Thank you, doctor. I'm so happy. हम लोग घर वापस चल रहे हैं बेटा। कृपा के बिना कैसा घर? कौन सी खुशियाँ? बेटे, तुम्हें जीने के लिए एक नया मकसद ढूंढना पड़ेगा। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, और मेरा बेटा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है ना। यू नो पृथ्वी, तुम्हारे डैड के जाने के बाद मुझे भी लगा था कि मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, कोई मकसद ही नहीं है, ना कोई खुशियां है, ना कोई वजह है जीने की। लेकिन जब तुम दोनों को देखा तो एहसास हुआ कि अब भी किसी को मेरी जरूरत है। जीने की एक वजह मिल गई मुझे, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी मुस्कुराहट। इससे और बड़ी वजह क्या चाहिए थी मुझे जीने के लिए? हर बेटा मैंने जिंदगी जी। पृथ्वी, क्या तुम मिष्टी और मेरे लिए नहीं जियोगे? कैसे बताऊंगा, मैं आपकी तरह नहीं सेल्फिश हूं। मेरे जीने की वजह सिर्फ कृपा थी, कृपा के सिवा कोई नहीं। शबीर, रिमाइंड, तुम्हारे दोस्त की शादी है। And look at you, दूल्हा खुद सारे काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा ही काम कर रहे थे, लॉयर हैं। आप लोग तो बस केस दर्ज कर देते हैं, बाकी सारा काम तो हमें देखना पड़ता है ना। अच्छा, जा चल, आ जा भी। वेल शबीर, इसी काम के तो पैसे मिलते हैं आपको। Excuse me. Hello? So, back to square one. मैंने सुना है कि केस फिर से रीओपन हो रहा है। तो क्या मजा आएगा? वैसे भी तुम्हारी और मेरी मुलाकातें कुछ कम हो गई थी, अब अक्सर मिला करेंगे। लेकिन इस बार हमारी मुलाकात तुम्हारे लिए मजेदार नहीं होगी। This time I'm going to win. It's too soon to say this. क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारेगा और कौन जीत का हार पहनेगा। Listen, माने क्यों? Hey guys, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अंगद, तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। Come, let's have a drink. अंगद, बेटा जरा कृपा को बुला ला, उसे कहना जल्दी तैयार हो, सब मेहमान आने शुरू हो गए हैं। उसे कहना सिर्फ उसका इंतजार हो रहा है, ठीक है? जी। जब आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अबे, कृपा, it's okay. हस्बैंड वाइफ ही तो हैं हम दोनों। जल्दी नीचे आओ, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। कहना मानती हो तो मेरा,
I like it. कहते हैं कि मुंह दिखाई के दिन अगर दूल्हा दुल्हन का चेहरा पहले देख ले तो अब शुगन होता है और ये नेक काम करना मैं जरूर चाहूंगा. तुम्हारे साथ अब शुगन हो I'll be really happy. तुम यहां क्या कर रहे हो? अंगद, क्या कर रहे हो? कितनी देर हो रही है, नीचे सब गेस्ट इंतजार कर रहे हैं. चलो कृपा दी. मॉम, मॉम. इंतजार करा लिया, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें. ये तुम्हारी बहू ही है ना? नहीं, वो कौन है? यहाँ क्या? ये सब क्या है अंगद? ये कौन है? It's funny, isn't it? तुम हंस क्यों रहे? मॉम, वो मॉम, आपको याद नहीं कृपा ने क्या कहा? यही कि वो कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से सबके साथ मैं भी चौंक जाऊंगा. That's what she's done. मैं समझी नहीं बेटा, ये लड़की कौन है? मॉम, ये बिनी है ना? बिनी, बिनी मॉम. बिनी, बिनी, ऑफ कोर्स बिनी. बिनी कृपा की फ्रेंड. वो एक्चुअली कृपा ने डिसाइड किया था कि उसकी जगह ये आ जाएगी और आप सबको शॉक कर देगी. आई एम रियली सॉरी अगर आप सब लोगों को बुरा लगा, लेकिन हम लोगों ने ना प्लान किया था कि शादी के दिन कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप सब लोग हमारी शादी याद रखें. अच्छा मजाक था. जी जी. बेटा, कृपा कहाँ है? वो बा मम्मी जी, वो तैयार हो रही. बेटी, आप कहाँ थी? आपको शादी में तो देखा नहीं पहले. ओफो, मैं तो शादी के बाद तो आई हूँ. बात का मतलब? मतलब आंटी, इनके ऑफिस में इतना काम रहता है तो इसलिए आ नहीं पाई थी. ऐसा कैसा इतना काम कि अपनी सहेली की शादी के लिए टाइम नहीं निकाल पाई? आंटी, सर्विस ही ऐसी है, जो भी कस्टमर चाहे हमें वही करना पड़ता है. और जब भी कस्टमर का कॉल आए वो तो अटेंड करना ही पड़ता है ना. कस्टमर सर्विस, मल्टीनेशनल्स, यू नो, काफी कस्टमर्स को मिलना पड़ता है इन लोगों को. वाओ, फिर तो बड़ा मजा आता होगा रोज नए नए लोगों को मिलना. मजा तो बहुत आता है, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ती है. हाँ, प्रेशर तो होता ही है. दिन कब गुजर जाता होगा तुम्हें पता ही नहीं चलता होगा. वो तो वैसे भी पता नहीं चलता है. एक्चुअली मेरा काम ज्यादातर रात को शुरू होता है ना. ओ, रात को? रात को काम करती. कॉल सेंटर, नाइट कॉल सेंटर. चले बेटी. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? लिसन मिस्टर, मुझे यहाँ आकर टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं. कल रात तुमने मुझे पैसे दिए थे अपने कमरे में आने के लिए, और आज सुबह तुम्हारी वाइफ कृपा ने मुझे इससे डबल रकम दी तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने आने के लिए.
और मैं हर वो काम करती हूँ जहाँ मुझे पैसे मिलते हैं। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये पकड़ो और दोबारा कभी इस घर के आसपास भी मत आना। क्या हरकत है? क्यों? मैंने क्या किया? भाई, जिसके साथ तुमने सुहागरात मनाई, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी उसी का चेहरा दिखना चाहिए ना? It's not funny, okay? ओया, तो कल रात जो तुमने किया, that was so funny. कृपा, नीचे जाओ, मेरे रिश्तेदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। कृपा, just go down. मैं डर गई अंगद, मैं तो बहुत डर गई। Now let me make this clear, for once and all. जिस रिश्ते को मैं नहीं मानती, उसकी झूठी रस्में भी मैं नहीं निभाऊंगी। अंगद, कृपा, बेटा मुंह दिखानी हो भी गई? कहां पापा, कृपा को अपने सजने सवरने से वक्त मिले तब ना। बेटा अब तुम बच्ची नहीं हो, घर की इज्जत और जिम्मेदारियां है तुम्हारे ऊपर। चलो सब इंतजार कर रहे हैं। यही तो पापा मैं भी बोल रहा था, जिसने देखना था उसने तो देख लिया और पसंद भी कर लिया, अब ये मेकअप करने से क्या फायदा है ना। चलो चलो सब वेट कर रहे हैं, कम ऑन। पर पापा मैं, प्लीज चलो ना। चलो बेटा। और वैसे भी ना इस मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में सदियां लग जाएंगी।